वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर राज व्यवस्था से संबंधित सामान्य ज्ञान के जनरल नॉलेज के टॉप 50 पूरे 50 क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। हो सके तो आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आपको नम्र विनती रहेगी आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही नए नए नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों तो लेट्स फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? क्वेश्चन का उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? क्वेश्चन का उत्तर है लोकसभा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन का उत्तर है राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है प्रत्येक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? क्वेश्चन का उत्तर है भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? क्वेश्चन का उत्तर एडवोकेट जनरल, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इस क्वेश्चन का उत्तर प्रधानमंत्री करता है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन का उत्तर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन का उत्तर 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 9, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? क्वेश्चन का उत्तर 525 लोकसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी मूल संविधान में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन का उत्तर राष्ट्रपति करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 11, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? क्वेश्चन का उत्तर संभागायुक्त के अधीनस्थ कार्य करते हैं जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12, 31वें संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? क्वेश्चन का उत्तर 545 की गई थी लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 31वें संविधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन का उत्तर राष्ट्रपति दिलाते हैं प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं? क्वेश्चन का उत्तर भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते हैं? क्वेश्चन का उत्तर राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? क्वेश्चन का उत्तर है लोकसभा द्वारा सबसे पहले बजट पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन का उत्तर राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, आमतौर पर सामान्यतः पर किसकी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? कि किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? सामान्यतः जनरली किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन का उत्तर केंद्रीय गृह मंत्री किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? क्वेश्चन का उत्तर एक प्रशासनिक अधिकारी भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन कहलाता है? कौन होता है राज्यसभा का अध्यक्ष?
क्वेश्चन का उत्तर है देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चनों को वीडियो कवर किया गया है, अंत तक देखिए। आपको अच्छा लगे, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, हो सके तो आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल हो। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आपको नम्र विनंती रहेगी आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही नए नए नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? क्वेश्चन का उत्तर है भारत के महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है, कानून अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन कह देता है? क्वेश्चन का उत्तर है एडवोकेट जनरल कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। क्वेश्चन नंबर 23, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में संभव नहीं है, असंभव है? लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? क्वेश्चन का उत्तर है राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है। क्वेश्चन नंबर 24, क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन का उत्तर है संसदीय कानून द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान है, वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन है? क्वेश्चन का उत्तर है भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान है, संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 26, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन का उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का प्रावधान है, नगर पालिकाओं के से संबंधित है भारत के संविधान का कौन सा विभाग? इस क्वेश्चन का उत्तर भाग 9 क नगर पालिका से संबंधित है भारत के संविधान का। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन का उत्तर 1993 नहीं आता, इसका सही आंसर 1993 ही आता है, 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, मुख्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चितता किसके अधीन होती है, किसके दरमियान होती है? क्वेश्चन का उत्तर भारत के संविधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त और कार्यकाल की निश्चितता इसके भारत के संविधान के अधीन होती है। क्वेश्चन नंबर 30, के आर नारायण ने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कितनी बार संसद को भंग किया है? क्वेश्चन का उत्तर है 2 बार संसद को भंग किया है के आर नारायण ने राष्ट्रपति कार्यकाल के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित प्रावधान है? क्वेश्चन का उत्तर भाग 4 में ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन का उत्तर 250 हो सकती है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33, किस धारा के तहत भारतीय संविधान में संशोधन होता है? क्वेश्चन का उत्तर धारा 368 के अनुसार भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? क्वेश्चन का उत्तर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ है? क्वेश्चन का 1998 में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है गया था 1998 में सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान संशोधन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है तो किस देश से ये व्यवस्था ली गई है? क्वेश्चन का उत्तर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 37, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन का उत्तर प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38, किसी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? क्वेश्चन का उत्तर राष्ट्रपति को होता है। कोई भी भौगोलिक क्षेत्र का किसी भी क्षेत्र को या अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है संविधान के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 39, संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री किसके समकक्ष होता है? क्वेश्चन का उत्तर कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? क्वेश्चन का उत्तर सामानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु चुनाव हेतु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41, संघीय मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन कौन करता है? क्वेश्चन का उत्तर प्रधानमंत्री करते हैं संघीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता या आयोजन। अध्यक्षता भी संघीय मंत्री परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किए जा सकते हैं? क्वेश्चन का उत्तर है उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किए जाते हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद। क्वेश्चन नंबर 43, देश में महिलाओं को प्रथम मानवाधिकार कब प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन का उत्तर 1926 में देश में महिलाओं को प्रथम मानवाधिकार पुरुष के समकक्ष मानवाधिकार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन का उत्तर अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति की नियुक्ति का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन का उत्तर राष्ट्रपति होता है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन का उत्तर 25 वर्ष होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? क्वेश्चन का उत्तर निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव का संचालन किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? क्वेश्चन का उत्तर 35 वर्ष भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु है, आयु सीमा है। क्वेश्चन नंबर 49, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? क्वेश्चन का उत्तर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। क्वेश्चन नंबर 50, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत में किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है संविधान के अनुसार? क्वेश्चन का होता है संसद को प्राप्त है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार। यहाँ पे राज्य की बात की गई है दोस्तों। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है हमारा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो सके तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। हो सके तो आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल हो। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही नए नए फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।